थोड़ा सा प्लान बताइए। ये जो हमारा इधर का जो एक नया सिटी शहर बसा है, इसको हम जब कभी किसी को कहते थे कि भाई हम 82 सेक्टर बतोले में रहते हैं, तो लोग ये कहते थे कि नहर पार, तो हमारी एक पहचान नहीं थी। तो इसलिए हमने एक विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि भाई जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जैसे गुड़गांव का एक मानेसर अलग से एक हिस्सा बना, इसी तरह से फरीदाबाद का एक ग्रेटर फरीदाबाद हमारा नाम दिया जाए। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कल इस पर मोहर लगा दी और एक तरह से डेवलपमेंट के लिए एक और अथॉरिटी हमारी, जैसे और पहले 3 एजेंसीज थी, नगर निगम हमारा हुड्डा, HSIDC, एक और अथॉरिटी हमारी कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। और ये हमारे विकास के लिए, जो हमारे यहाँ के नहर पार के क्षेत्र के जितने हमारे सेक्टर थे, जितने हमारी हाई राइज बिल्डिंग थी, सोसाइटीज़ थी, और नए जो फ्लोर्स और यहाँ का जो नया डेवलपमेंट होना था, उसमें थोड़ी हमारी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ हिस्सा नगर निगम के पास था, कुछ हिस्सा हुड्डा के पास था। अब वो दिक्कत नहीं आएगी, अब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई है, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पहले गुड़गांव में थी, अब इसी तरह की उसी तर्ज पर फरीदाबाद में बनाई है। विधायक जी, ग्रेटर फरीदाबाद का निगम भी देखने को मिलेगा अलग से आने वाले समय में? देखो, अभी जैसे जिस तरह से आगे वार्ड और बनेंगे, तो अलग से ये हमारी मांग रहेगी कि हमारा एक अलग से नगर निगम भी हमें दिया जाए। एक सवाल और है कि ग्राम पंचायत से जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, वर्तमान में सरपंच हैं, वो सरपंच कहता जी मैं सरपंच रहा नहीं और जो आने वाले हैं उनके लिए चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो कहीं विकास में रोड़ा एक अटकारी है सरकार, ऐसा लोगों को कहना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरपंचों को 5 लाख तक की परमिशन दे दी है और जल्दी अभी हमारे चुनाव हो जाएंगे। और रही बात विकास की, तो जैसे हमारी यहाँ की सड़कें हैं, कुछ और कुछ बिजली की दिक्कत है, कुछ सबस्टेशन हमें और चाहिए यहाँ के लिए, क्यों आने वाले समय में यहाँ काफ़ी लोग आ जाएंगे, रेजिडेंट आ जाएंगे, तो उसके लिए 2 सबस्टेशन की और मांग रखेंगे, सीवर की थोड़ी दिक्कत है उसके लिए हम अपनी मांग रखेंगे, और हमारे आने वाले समय में पानी की भी थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके लिए भी कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि भाई गंगा से हमारे लिए पानी आए, क्योंकि हमारे जो रेनीवेल हैं यमुना पर, वो काफ़ी अब पानी की लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो कई हमारे रेनीवेल काम भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक अलग से पानी की हमारी लाइन जो गंगा से हमें मिले, जिससे आगे आने वाले समय में पानी की दिक्कत ना हो। विधायक जी, कल CM साहब ने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद में एक फ्लाईओवर बनेगा जो फरीदाबाद को सीधा KGP से जोड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस एरिया में आएंगे, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो कि फरीदाबाद गुरुग्राम को पीछे छोड़ दे। तो मुख्यमंत्री के दिमाग में यह आइडिया खुद आया या आप लोगों ने कुछ सुझाया? देखो, हमारे सभी, क्योंकि ज़्यादातर एरिया आपके इलाके में आएगा, हमारे सभी विधायकों ने, हमारे मंत्री जी ने एक मांग रखी थी कि भाई जो नए सेक्टर बसने जा रहे हैं, यहाँ 175 के करीब नए सेक्टर हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो रोड, सीवर, पानी बने, जिससे वहाँ के लोग जो हमारे नए फ्लैट्स, नई सोसाइटीज़, नए हमारे सेक्टर डेवलप हो जाएं, उसके लिए एक मांग रखी थी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि भाई ये जल्दी से जल्दी इनकी डेवलपमेंट पूरी की जाए। एक और कनेक्टिविटी के लिए, KGP की कनेक्टिविटी के लिए एक अलग से एक हाईवे बनाया जाए जो हमारे बाईपास को और फरीदाबाद को KGP से जोड़े, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं। और एक और हमारी जो ग्रेटर फरीदाबाद को पुराने फरीदाबाद NIT फरीदाबाद से जोड़ने के लिए भी एक एलिवेटेड रोड या अंडरपास कुछ इस तरह का कुछ बने, जिससे हमारी जो फरीदाबाद जाने के लिए कनेक्टिविटी बन जाए, जो हमें वहाँ जाने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए भी एक एलिवेटेड रोड या सब वे के अंडरग्राउंड एक रोड के लिए भी। और ये भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट से सीधा फरीदाबाद को जोड़ दिया जाएगा ताकि इसका फायदा मिले फरीदाबाद। हाँ, ये भी बोला है, क्योंकि गुड़गांव की जो डेवलपमेंट का वो है राज है, या वो एक उनकी कनेक्टिविटी जो उनका एयरपोर्ट, जयपुर हाईवे, वो जो कनेक्टिविटी है उसकी वजह से ही हमारा वो गुड़गांव डेवलप हुआ। इसी तरह से हमारी कनेक्टिविटी जैसे अब मझावली के पुल से ग्रेटर नोएडा से हो जाएगी, KGP से हो जाएगी, तो इससे कनेक्टिविटी होने से हमारी डेवलपमेंट भी आने वाले समय में बहुत सर ये सब काम